हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विपिन और आप देख रहे हैं लिविंग लाइफ व्लॉग्स। सो आज है 5th of November, शनिवार, दिवाली का अगला दिन और हम जा रहे हैं एक फैमिली लंच के लिए। हमारे घर के पास एक जो एक रेस्टोरेंट नया खुला था लास्ट ईयर, स्पाइस वाडी, हमने सोचा लेट अस ट्राई दिस रेस्टोरेंट। और ये पनवेल के अदाई सर्कल के पास है, ऑन पनवेल माथेरान रोड, वेरी वेल नोन रेस्टोरेंट, बहुत नाम है इसका। जब से खुला है तब से अच्छा नाम किया है, तो यहाँ हमने सोचा यहाँ का खाना भी चेक कर लेते हैं। इससे पहले आपको रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इनके इंटीरियर सीटिंग्स है, एसी वाले सीटिंग्स है विथ नाइस एम्बियंस, जैसे आप देख सकते हो। इनका अलग सा एक प्राइवेट कैबिन जैसा फैमिली के लिए भी है, 3+1 4 कैबिन है अलग सा। एक सबसे ऊपर वाला है, सबसे बड़ा वाला कैबिन है, 15-16 लोग उसमें आराम से बैठ सकते हैं। और इनका एटिकेट्स आप देख सकते हो, टेबल एटिकेट्स प्रॉपरली इन्होंने सेट किया हुआ है, आपके चेयर्स हो, ग्लासेस हो या आपके हैंडकरचीफ्स हो। और इनके अलग दो सीटिंग जो है, इनके गजीबो सीटिंग है, गजीबो इनके कुछ 7-8 या 9 गजीबोज हैं, और ओपन है बीच में जो एरिया उसमें ओपन सीटिंग है। सो जिनको ओपन में बैठना है या गजीबो में बैठना है, देखो ये है व्यू ऊपर से, ये ज़बरदस्त सीटिंग है, मैं यहाँ पर बैठ चुका उससे पहले और शानदार है। एंड यू कैन ऑलवेज गो एंड ट्राई। देखो आप जैसे देख सकते हो रात को ये शानदार दिखता है, हालांकि आपको मैं इसका वीडियो भी दिखाता हूँ, मैं रात को एक दिन गया था उसका कैसा दिखता है। और ये है कुछ सेल्फी पॉइंट्स, और इनका बैंक्वेट हॉल भी है, आपकी शादी या बर्थडे फंक्शन वॉट एवर 200+ की कैपेसिटी में आप यहाँ पे करवा सकते हैं। और टच मी गाइस, इनका मैंने खाना भी खाया है बैंक्वेट में, पर प्लेट ज़बरदस्त टेस्ट और मस्त सर्विस है इनकी। और सो जब आप रेस्टोरेंट में डिनर या लंच करोगे, तो देर इज़ अ प्ले एरिया हियर वेर इन यू कैन आस्क योर किड्स टू प्ले अराउंड। जैसे इफ यू सी माई बेटा इज प्लेइंग अराउंड, वाओ वाओ बोलो हिंदे गड़पल्ले ओंदमेटिल्या वाओ, आर यू एंजॉयिंग? आपका स्पाइस वाड़ी का एक्सटर्नल, यू नो दिस इज लाइक योर सेल्फी पॉइंट। सो इनका जो अलग सीटिंग में आपको जैसे बता रहा था, गजीबो और ओपन एयर वाली सीटिंग, यहाँ से एंट्री है इनके साइड से, प्ले एरिया के साइड से, अंदर से भी है, बट दिस इज वन, एक अलग तरीके से आप जा रहे हो, एक नाइस फील आता है आपको जैसे एक सेल्फी पॉइंट के अंदर से जा रहे हो। तो फिलहाल के लिए ये बंद है, बट आपको जैसे मैंने कहा था कि आपको दिखाता हूँ रात को ये कैसे दिखता है, आपको एक वीडियो इसके बाद में दिखा रहा हूँ। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, हम एक बार गए थे लास्ट मंथ में। सो ये गजीब ओपन एयर और गजीबो साइड में है, ये ऐसे दिखता है। और लेट मी टेल यू गाइस, ठंडी के मौसम में तो और अच्छा माहौल बन जाता है व्हेन यू सिट हियर एंड हैव योर डिनर। और सो दैट्स इट, अपना बार्टेंडर कहाँ गया? आपका नाम प्रतीक, बस ये बता दो ब्लू कोरिजोल क्यों डाला था उसमें पीना कोलाडा में? स्वीटनर है क्योंकि वो तो नीचे सेटल हो जाता ना, तो वो तो पहला सक लेगा, वो पहला खींचेगा तो वही आएगा ना ब्लू कोरिजोल। व्हाइट क्लीन मुक्ते रहना, तो उसमें डिजाइन के लिए था वो, मतलब मैं कभी देखा नहीं इसके लिए, मैं इसके लिए मैं शूट कर रहा हूँ तेरा कि तू पहली बार ब्लू कोरिजोल डाला उसमें। क्या नाम बोला था आपने? प्रतीक ना, थैंक यू प्रतीक कामले, मेरे दोस्त का नाम भी प्रतीक कामले ही है। हाँ जी रख दीजिए, थैंक यू। हाँ थोड़ी देर में लेता हूँ। कैसा है? नॉट बैड।
soft and yummy. This is what have we ordered this? What is this? Shole. Yeah, shole, shole kebab. Special serving. Inside tandoor. रख दे, डाल दे इसमें सब. This is शोल चिकन शोले कबाब. कैसा लगा तेरे को? Very spicy. Obviously शोले है, शोले तो रहेगा. Let's taste this शोले कबाब. अरे यार नहीं अंदर दे लूँ ना, अरे यार बाल लेता. As good as malai kebab. Something is amiss. Okay. Valli chapati roti. Kulcha. Let me just take it. Kulcha is also good. Chicken tikka masala is also good. Must try. This is Hyderabadi biryani that we have ordered. Looks good, but let's check how it is. Let's check how this Hyderabadi biryani. Already coming. Biryani rice is okay, but let me tell you, it doesn't taste like how. It actually tasted in Hyderabad. The chicken and gravy is good, but the overall combination doesn't look good. Okay, sir. Can be managed. This is the bill, final bill that we got at Spice Wadi. 3,344. Tummy had tummy full, right? You also had tummy full? What is the best dish that you like here? Malai kebab. Malai kebab. I like the other gravy part. Kya tha wo? Chicken tikka. Chicken tikka. It was very good. So let us pay and go back home today. Happy Diwali, guys.